और लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं, इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर चुकी है और दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव चल रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच में कांग्रेस छोड़ने वाले महाराष्ट्र के दिग्गज हैं नेता संजय निरुपम। उन्होंने गांधी परिवार पर एक बहुत बड़ा प्रहार कर दिया है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस में इस वक्त 5 पावर सेंटर बने हुए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने नाम लेकर बकायदा सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और आगे ये भी कहा कि वैचारिक रूप से बिखर चुकी है कांग्रेस पार्टी। वहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है और अपने आगे के प्लान के बारे में जानकारी दी। राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है आपका और ये सबको पता है कि आप घर पर तो नहीं बैठने वाले हैं, तो ऐसे में आगे का क्या स्टेप रहने वाला है? और चर्चा ऐसी भी है कि शिवसेना शिंदे गट के साथ आपकी चर्चा हुई है और आप वहीं जा रहे हैं, आगे क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आने वाले 4-5 दिनों तक कोई फैसला नहीं करना है और जब नवरात्रि शुरू होगी तो उसके बाद एक हम तय करेंगे। क्या आज आप आजादी के साथ मोदी जी के बारे में क्या कुछ बोल सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। और उनकी लोकप्रियता के मुकाबले इस समय पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कोई भी नेता नहीं है, ये एक सच है। और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, तो ये एक सच है और इस सच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे आपकी पार्टी सिमटती चली जाएगी। और शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने संजय निरुपम पर पूछे गए सवाल पर क्या कहा, ये भी सुन। पार्टी प्रवक्ता के हिसाब से अगर मुझे पूछते हैं तो मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी निर्णय लेंगे। अगर व्यक्तिगत आप मुझे पूछते हो कि उसका मैं स्वागत करूंगा तो व्यक्तिगत मैं उसका स्वागत नहीं करूंगा, क्योंकि हमेशा जो भी पार्टी में रहे हैं उन्होंने वो पार्टी में न्यूसेंस क्रिएट किया है। और जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस में इस्तीफा देने की लग रहा है कि होड़ सी मच गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी पहले कांग्रेस को बचाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार को टक्कर देंगे। विपक्ष में भगदड़, बीजेपी में आए 80,000 नेता। चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तस्वीर को इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस वक्त कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है। पहली तस्वीर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस में रहे वो दिग्गज नेता हैं जो कभी राहुल गांधी के हर आदेश पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार रहते थे, लेकिन महज एक साल के अंदर ही देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें 2 कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। बॉक्सर विजेंदर और गौरव वल्लभ ने कमल का दामन थाम लिया है, जबकि संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस, राहुल, सोनिया और खड़गे पर भड़क रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ क्यों मची हुई है? क्या कांग्रेस में रहे नेताओं को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, लीडरशिप की कमी और दिशाहीन राजनीति ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है? कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं,
उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरे बने कांग्रेस के राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे थे। जिस वक्त राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दल मिलकर बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में हरा दें, उस वक्त 20 से 40 साल पुराने कांग्रेसी नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में जा रहे थे। जरा देखिए अब तक कांग्रेस से कौन कौन बड़े चेहरे इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस में भगदड़, बीजेपी में हाउसफुल। कांग्रेस से इस्तीफा देकर गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा, विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मार्च 2024 में नवीन जिंदल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि फरवरी 2024 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, हेमंत बिस्व शर्मा, जगदम्बिका पाल बहुत पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई है। और एक तरफ पहले चरण के मतदान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बड़े बड़े दावे करने में जुटे हुए हैं, वहीं बीजेपी ने विरोधी दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल करके कांग्रेस की कमर तोड़ कर रख दी है। कांग्रेस में इस्तीफा एक बड़ा संकट अब बन चुका है। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दा और ना ही दिशा है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि 10 साल में उनकी सरकार ने जनता को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर तो बाकी है। बीजेपी के दावों में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि रिसर्च में दावा किया गया है कि बीजेपी ने विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में शामिल किया है। जरा देखिए आंकड़ों में क्या दावा किया गया है। विपक्षी दलों के 80,000 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का टारगेट है कि वो 1,00,000 से ज्यादा विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करे। दावों के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। इधर 1 अप्रैल 2024 तक लोकसभा चुनाव की घोषणा से अब तक राजस्थान में 1,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दलों के ये नेता पार्टी छोड़ने के बाद सीधे बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब तक 80,000 से ज्यादा विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे हालात में यह सवाल खड़ा होता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करेगा।